केसेस इनके इन्वॉल्व ऐसा है। लास्ट ईयर भी इनको जब पंजाबुट्टा वाले अरेस्ट करने के बाद पीडी एक्ट इन्वोक करके एक साल तक उन्होंने जेल में था। जब इन्होंने रिलीज हो गए पीडी एक्ट का, फिर ये जो ऑफेंसेस करना शुरू करा। तो अभी पंजाबुट्टा पुलिस और हमारे सेंट्रल जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर जानैया एस आई विनोद और स्टाफ ने एक स्पेशल टीम बना के, जैसे जब चिकटपली से उन्होंने फरार हुआ वहाँ से इनको कैसा भी पकड़ना बोल के एक अच्छा प्लान करके इन्फॉर्मेशन निकालने के इनको अरेस्ट करें। और इसमें जो भी अच्छे काम करे एस आई विनोद कुमार और स्टाफ उन लोगों को रिवार्ड दिला रहे। वैसे भी इनको और एक बार भी ये पी डी एक्ट का प्रपोजल करेंगे, क्योंकि इनको आदत हो गए, उसका हेल्थ भी ठीक नहीं, फिर भी ये जो ऑफेंसेस करते रह रहा, तो पी डी एक्ट का भी प्रपोजल करेंगे और इनको पंजाबुट्टा पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर। सर इंडिविजुअल करे या गैंग है इनकी? इनका कोई गैंग नहीं है, मोस्टली इन्हों इंडिविजुअल करता। और वैसे भी इनका वाइफ के साथ या नहीं तो कभी इन्हों भी जहाँ जो गोल्ड आइटम है बेचता, इसमें कम रिकवरी हुआ गोल्ड का आइटम, बाकी का व्हीकल्स रिकवरी हुआ और पूरा इन्हों इंडिविजुअली करता। सर कितने लाख की पूरी प्रॉपर्टी? कितना 14 लाख का प्रॉपर्टी है, जो फोर व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स एज वेल एज गोल्ड लैपटॉप्स मिला के एक 14 लाख का प्रॉपर्टी वर्थ है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की एक नोटोरियस हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अफेंडर, वैसे भी फोर व्हीलर और टू व्हीलर्स का भी थेफ्ट करते, इसका नाम है चिन्ना यल्लैया। इन्होंने पूरा 11 ऑफेंसेस किए, इसमें 6 व्हीकल थेफ्ट है, बाकी का 5 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, 3 फोर व्हीलर, 3 टू व्हीलर्स, 2 लैपटॉप, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, वैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स इनके पास से रिकवरी हुआ। पूरा इनो 11 ऑफेंसेस करें और एक ऑफेंस में भी इन्वॉल्व है। लास्ट मंथ इन्होंने चिकटपली वाले जब अरेस्ट किए थे वहाँ से उन्होंने एस्केप हुआ, वहाँ एक केस रजिस्टर हुआ था। वो जो केस के पहले उन्होंने 4 ऑफेंसेस करे, फिर एस्केप होने के बाद पूरा 7 ऑफेंसेस में इन्होंने इन्वॉल्व है। ये जो चिन्ना यल्लैया 1992 से ये एचबी ऑफेंसेस और व्हीकल थेफ्ट करते रहना, इनका एमओ ऐसी है कि पहले एक गाड़ी को चोरी करना या वो टू व्हीलर या ज़्यादातर तो फोर व्हीलर चोरी करते, वो चोरी करे से व्हीकल ले लेके रात में एक अच्छा पॉश कॉलोनी या मिडिल इनकम ग्रुप कॉलोनीस में उन्होंने पहला रेकी करते हुए जहाँ भी हाउसेस इनको दिखे आउटसाइड्स लॉक हुए सो वो सेलेक्ट करने के बाद वही व्हीकल यूज़ कर लेके थोड़ी दूर व्हीकल पार्क करने के बाद इनके पास या स्क्रू ड्राइवर या राड भी हमेशा कैरी करता, और दोनों के हेल्प से जो भी आइडेंटिफाइड है सो हाउस को या लैच नहीं तो ताला दोनों में से एक ये जो स्क्रू ड्राइवर रॉड का हेल्प से निकालने के बाद घर में वैल्यूबल आइटम्स पर्टिकुलरली गोल्ड सिल्वर कैश थेफ्ट करते। इनका नेटिव महबूबनगर का है, 1992 से 22 टाइम्स इनको पुलिस व वेरियस पुलिस स्टेशन वाले अरेस्ट करे, पूरा मिला के एक 75।
जे एजेंसी वाले दे रहे हैं वो लाल है ना, पूछ ले। सुने मेरा तुम्हारे से पहले आ गया।